हमारे पिताजी और वाइफ का डेथ हुआ था कोविड के समय में। हम लोगों का जो सिचुएशन था वो सोच नहीं सकते थे कि हम लोग क्या कर पाएंगे। हमारी उस समय बेटी भी बहुत सीरियस बीमार पड़ गई थी, माने हमारा पूरा एकदम फैमिली जो था टूट के खत्म हो चुका था। और हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें आप लोगों पत्रकार बंधु का और वो जो यूट्यूबर लोग है वो हनुमान की तरह काम किया है, इसीलिए हमने सभी लोगों को सम्मानित किया है। पहले 25 का था, तब 31 हो गया, आज 36 हो गया। एक परिवार ऐसा भी है जिसका आज शादी अभी रजिस्ट्रेशन माने अभी जो है तुरंत तुरंत उसका लोग आए हैं और वो बोले कि जो हमारा एकदम हर हालत में होना। समाज के निचले पैदान से लोग हैं, कुछ कुछ है जिनके माता पिता भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पिता नहीं है, उनके जो है सो माँ बीमार है बहुत गंभीर रूप से, एकदम निचले पैदान। अभी हमारे समक्ष है ओम प्रकाश कुशवाहा जी जो 35 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। जानते हैं उनसे कि आखिर ये मन में उनके कैसे आया कि 35 वो कन्या या ऐसे भी कन्या जिसका कोई शादी नहीं करने वाला हो वैसी कन्याओं का विवाह करवाए। मेरे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर आपको कैसे दिमाग में आया कि जे हमको ऐसी कन्याओं का विवाह कराना है? कोविड के समय में हमारे फैमिली में बहुत सारा नुकसान हो गया, हमारे फैमिली मेंबर का बहुत सारा नुकसान हो गया। उसके बाद जब हम कुछ दिन के बाद स्टेबल किए तो बहुत सारा लोग बता रहे थे जो कुछ यज्ञ करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे भगवान का कृपा तुम पर बने और ये सब संकट से तुम दूर हो सको। तो उसी में हमको हमारे दिमाग में आया क्या जो क्या किया जाए, तो हमारे मन में आया जो जो समाज में निचले पायदान पर लोग हैं जो असहाय है उनकी जो है सो बेटी के शादी जो है सो अपने स्तर से कराया जाए, उसमें मदद किया जाए, उसमें समाज के लोग के साथ मिल के और जो अपना रस्म रिवाज होता है उसके हिसाब से शादी संपन्न कराया जाए। ये जो आप 35 लड़की को शादी करवा रहे हैं, इससे पहले तो 31 लड़की का ही शादी था ना? पहले 25 का था, तब 31 हो गया, आज 36 हो गया। एक परिवार ऐसा भी है जिसका आज शादी अभी रजिस्ट्रेशन माने अभी जो है तुरंत तुरंत उसका लोग आए हैं और वो बोले कि जो हमारा एकदम हर हालत में होना चाहिए, हमारा जो ये परिस्थिति है बहुत बढ़िया नहीं है, तो 36 हो गया। अब आपका ये जो शादी आप करवा रहे हैं इसमें सिर्फ आपका योगदान है या और किसी का है? नहीं, शादी में जो है सो मुख्य रूप से मेरा योगदान है और समाज के लोग भी सहयोग सब कर रहे हैं, जहाँ पे हम कमजोर पड़ते हैं वहाँ पे सब लोग सहयोग करते हैं। यानी आर्थिक जो भी है सो सब आपका है? हाँ, और जो जहाँ मदद होता है थोड़ा बड़ा सब लोग से भी लिया जाता है। आप ऐसे करते क्या है? हम तो एक किसान है सबसे एक नंबर में, उसके बाद जो है सो थोड़ा मोड़ा बिजनेस करते हैं, कौवा चौक पर दुकान है छोटा सा और जो भी बिजनेस है छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं इसे तो लग नहीं रहा है कि आप छोटे लोग हैं। छोटे लोग ही हैं। 2002 में हम वहाँ पे दुकान किए थे, लोगों को घर घर में गैस सप्लाई साइकिल से पहुँचाया करता था, ठेला और साइकिल से हम गैस पहुँचाने का काम करते थे, लेकिन भगवान का कृपा हुआ जो हम आज यहाँ तक पहुँचे और हमारे में कुछ सामर्थ्य हुआ तो हम प्रयास किए जो इस काम को करें। अच्छा, ये जो लड़कियां हैं सब गरीब परिवार से है कि कुछ नॉर्मल फैमिली से? नहीं, सभी लोग गरीब, समाज के निचले पैदान से लोग हैं। कुछ कुछ है जिनके माता पिता भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पिता नहीं है, उनके जो है सो माँ बीमार है बहुत गंभीर रूप से, एकदम निचले पैदान के लोग। अच्छा, लड़कियों के लिए लड़का आप ढूंढे या उसके परिजन? वो सब लोग अपने सब कुछ करके आए हैं और हमारे यहाँ जो है सो शादी संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन वो सब जो है सो लड़का लड़की का पूरा अरेंजमेंट वही लोग किए। कब से तैयारी कर रहे थे इसका? इसका तो हम लोग पिछले साल अप्रैल में ही एक बैठक बुलाए थे जब हमारे मन में ये बात हुई 26 अप्रैल को, उसके बाद जो है सो धीरे धीरे मन में था, करते रहे अभी एक दो महीने से जो है सो इसमें सीरियस होकर के सभी लोग को बैठा करके लगे और इस कार्यक्रम को रूप दे रहे हैं। सारी कन्याएं जो है सो समस्तीपुर की है या बाहर की? नहीं सर, लगभग समस्तीपुर की है, एक आध दो वैशाली की। वैशाली की? जी। अच्छा, आप जो काम किए हैं क्या ऐसा काम भारत के और भी कोने में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हर जगह होना चाहिए, ये काम हर जगह होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज आदर्श विवाह दहेज के चलते जितना मामला रोज हो रहा है, आप थाने में जाइए कोर्ट में जाइए दहेज वाला कितना मामला हो रहा है, छोटी छोटी बात के चलते बड़ी बड़ी उलझन, इससे लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा लेगा, लोग में आपसी सामंजस्य बहुत बढ़ेगा। आप सोचे कि एक ही बार में पूरा पुण्य हम ही बटोर लें? नहीं नहीं, सभी लोग, आप लोग भी साथ में हैं और आप लोग के भी सहयोग से हम यहाँ तक आए हैं, कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा कम ज्यादा सभी लोगों का सहयोग और पुण्य। आपके पास बेटी है? हाँ, एक बेटी है मेरे पास भी।
फिर भी 36 बेटी के पिता बन के विदा कर अपना में जितना करेंगे उससे ज्यादा इसमें एनर्जी शक्ति बुद्धि लगाए। कितना खर्चा पड़ जाएगा इसमें? खर्चा इसमें अब उसका कोई हिसाब है कोई कुछ कर, कुछ अंदाज नहीं है, सब अब पता चलेगा बाद में, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत सारी चीज जैसे आपको बोला गया था दान करने के लिए, तो उसमें आया होगा गौ दान करना, बहुत सारी चीजें दान करना, फिर उसमें से आपके यही क्यों सोचे? यह इसीलिए सोचे कि जो ये जो विवाह है, ये जो उत्सव है, ये अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ की स्थिति है उसमें आपको लगता होगा, जो ये इसीलिए सोचे कि जो निचले पौदान के जो गरीब लोग हैं ना उनको सहारा देंगे ना तो सबसे ऊपर का माने हमको माने जगह मिलेगा, बस यही उद्देश्य है मेरा। लोकसभा या राज्यसभा की तैयारी भी चल रही है क्या? हम कुछ का तैयारी नहीं करते। कोई पार्टी से जुड़े हुए? जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए थे लेकिन कोई पार्टी उटी से जुड़े हुए नहीं। जुड़े हुए थे अभी नहीं है? अभी मैंने वही जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तो वो पार्टी उटी नहीं बनी है, वो भी राजनीति पार्टी है ही नहीं, वो तो हम जानते हैं अभी राजनीति नहीं। जी जी जी। तो क्या आप जो बाकी जो बहुत सारे आपसे भी अमीर लोग हैं धरती पे और वो चाहते हैं कि औरों का हम भी लेके रख ले, लेकिन ऐसा पुण्य नहीं करते हैं? नहीं, हम अमीर लोग नहीं है, सबसे बड़ी की बात बस आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद, प्रभु की इतना कृपा है जो ये हो रहा है। हम भी नहीं सोचे थे दो चार साल पहले, जब हम जिस समय में हमारे पिताजी और वाइफ का डेथ हुआ था कोविड के समय में, हम लोगों का जो सिचुएशन था वो सोच नहीं सकते थे जो हम लोग क्या कर पाएंगे। हमारी उस समय बेटी भी बहुत सीरियस बीमार पड़ गई थी, माने हमारा पूरा एकदम फैमिली जो था टूट के खत्म हो चुका था, और फिर भगवान की और आप लोग के आशीर्वाद से खड़ा हुआ। इसीलिए अब जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे उसका ठीक ठाक हिस्सा समाज सेवा में लगाएंगे, यही मेरा एकदम अंतिम निर्णय। लोग कहते हैं कि कुशवाहा जी तो सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन आज आपको देखकर समझ में आ गया कि देना भी जानते हैं। कुशवाहा जी हैं, लेकिन कुशवाहा जी वाला बात नहीं है, लेना नहीं जानते हैं। कोई समाज में किसी भी जाति में जो लोग कहते हैं जो वो लेना जानते हैं वो देना जानते हैं, वैसा बात नहीं है। सब समाज में सब हिसाब के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सभी आदमी को कहेंगे जो आगे जो भी एजुकेशन क्षेत्र में काम करे, ये सब टाइप का जो समाज सेवा है ये सब काम करे। बहुत सारे पत्रकारों को भी बुलाए हैं? जी 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 जी, सभी लोग जितने भी पत्रकार लोग थे सभी भाई बंधु को बताए, और बताए ही है, आप भी सुने होइएगा उस समय रहे होइएगा, तो सभी लोगों को बताए अपना जीवन का जो हिसाब किताब है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों लेके चलिए। ब्लॉगर को आप सम्मानित क्यों कर रहे थे? बहुत सारे जगहों से जिलों से अलग अलग जिले के ब्लॉगर को बुला करके आप सम्मानित कर रहे? ब्लॉगर को बुला के सम्मानित कर रहे थे जो हमारा छोट भाई है, बेटा है, धिया पुता है, सबको जो है सो सम्मानित कर रहे थे जो भाई तुम लोग आगे बढ़ो, बिहार का नाम जो है सो पूरा देश में फैलाओ, बढ़िया काम का शुरुआत हुआ है इसमें, सब आदमी जो है सो इस व्यवस्था को इस कार्यक्रम को पूरा देश में फैलाओ, सब लोग यहाँ से जो है सो आगे देश देश तक अच्छा अच्छा इंडस्ट्रीज में जाओ, अच्छा अच्छा जो है सो पत्रकार बनो, एंकर बनो, यही इसीलिए सम्मानित। हम अपने बच्चे को अपने भाई को हम नहीं सम्मानित करेंगे तो कौन सम्मानित करेगा? हमारा भी तो हक बनता है, अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन हमारा भी तो हक बनता है जो हमारे समाज में जो भी लोग हैं सबको गौरी को खींच करके आगे पहुँचाने में जो हमसे हो पाएगा, एक डेग बढ़ाए चाहे 1000 डेग बढ़ाए, बस यही। जिस तरह से कर्ण जो है सो जब बाण अर्जुन के रथ पर चलाया था तो इनका जो है सो रथ जो है सो 3 डेग पीछे हो गया था, और वो जब अर्जुन चलाया तो उसका सीधे हिल के रह गया, तो उस समय भगवान कृष्ण कहे थे कि तुम्हारे जो है जब पूछे कि ऐसा क्या हुआ तो वही बताए कि तुम्हारा जो ये रथ है उस पे हनुमान जी हैं और सारथी हम हैं, और इसको जब इतना पीछे धकेल दिया तो हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें आप लोगों पत्रकार बंधु का और वो जो यूट्यूबर लोग है वो हनुमान की तरह काम किया है, इसीलिए हमने सभी लोगों को सम्मानित किया है, और आगे भी कोई भी हम काम करेंगे तो सबसे हमारा जो सौहार्दपूर्ण बात है, व्यवस्था है, भैयारी है, बरकरार रहे। जितने भी लोग देख रहे हैं हम आप सबसे कहेंगे कि अगर आप लोग एक कदम बढ़ाएंगे तो शायद जितनी भी बेटियों का आज कत्ल किया जाता है वो बेटियां बच जाएगी।